आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज भाई में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की कहानी का विषय है झूठा दिखावा। मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर एक युवा नौजवान की बहुत अच्छी नौकरी लग जाता है। उसे कंपनी की ओर से काम करने के लिए अलग से एक कैबिन दे दिया जाता है। वो नौजवान जब पहले दिन ऑफिस जाता है और बैठकर अपने शानदार कैबिन को निहार रहा होता है, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे पर एक साधारण सा व्यक्ति आता है, पर उसे अंदर आने को कहने के बजाय वो युवा व्यक्ति उसे आधा घंटा बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। आधा घंटा बीतने के बाद वो आदमी फिर से ऑफिस के अंदर आने की अनुमति मांगता है और उसे अंदर आते देख युवक टेलीफोन से बात करना शुरू कर देता है। वो फोन पर बहुत सारे पैसों की बात करता है, अपने ऐशो आराम के बारे में कई प्रकार की डींगे हांकने लगता है। सामने वाला व्यक्ति उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, पर वो युवा व्यक्ति फोन पर बड़ी बड़ी ढींगे हांकना जारी रखता है। जब उसकी बातें खत्म हो जाती हैं, तब जाकर वो उस साधारण व्यक्ति से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो आदमी उस युवा व्यक्ति को विनम्र भाव से देखते हुए कहता है, साहब मैं यहाँ टेलीफोन रिपेयर करने के लिए आया हूँ। मुझे खबर मिली है कि आप जिस टेलीफोन से बात कर रही थे वो हफ्ते भर से बंद पड़ा है, इसलिए मैं इस टेलीफोन को रिपेयर करने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही युवा व्यक्ति शर्म से लाल हो जाता है और चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। उसे उसके दिखावे का फल मिल चुका होता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे कितने भी सफल क्यों न हो जाए, पर व्यर्थ के अहंकार और झूठे दिखावे में ना पड़े, अन्यथा उस युवक की तरह हमें भी कभी न कभी शर्मिंदा होना पड़ सकता है। ओम शांति। सफल एवं सुखी जीवन जीने के लिए प्लीज आपके अपने चैनल पंकज भाई को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।